मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। और ये आज भारत में बहुत जगह चर्चा है जी जी, सड़कों पे चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा है, कोर्ट में चर्चा है, नेट के विषय में जी बिल्कुल। और एक भारत जो है, भारत ने पूरी दुनिया में एक परचम लहरा रखा है डॉक्टरी के क्षेत्र में जी। बड़े बड़े मुल्क में, इंग्लैंड में, यूएस में, सब जगह जो है आजकल भारतीय डॉक्टर्स का बोलबाला है जी। हैं बड़े से बड़े देश के लोग जो हैं वो इंडियन डॉक्टर्स से अपना इलाज कराना चाहते हैं। कैसे हैं आप, थोड़ा अपना परिचय बताइए सर। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि और मेरी पढ़ाई जो हुई है वो बिहार के एलएस कॉलेज से हुई है। फिर मैंने एंट्रेंस दे करके नीट क्वालिफाइड करके और मैं रशिया जाके पढ़ाई करा। रशिया के जगह है जिसका नाम है स्मॉलेस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसी जगह के नाम पे वो यूनिवर्सिटी का नाम है स्मॉलेस्ट। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। फिर पढ़ाई होने के बाद सारे कोर्सेज सब चीज़ करने के बाद फिर मैं इंडिया आया। फिर इंडिया आने के बाद आपको एक FMG एग्ज़ाम देनी होती है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाते हैं, फिर एक साल की इंटर्नशिप आप दे करके और फिर गवर्नमेंट से आप लाइसेंस लेके MCA के थ्रू, तब आप किसी भी प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो भी हो वहाँ से आप इंटर्नशिप करके लाइसेंस लेके वर्क कर सकते हो। तो क्या सेशन था आपका, कब गया? मैं सर गया हूँ 16 से 22, सिक्स्थ ईयर के कोर्स होते हैं टोटल। 2016 में आप रशिया गए और 2022 में आप वापस? 22 के जून में मैं एंड में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, फिर मैं इंडिया आ गया। तो भारत में ये 5 साल का कोर्स होता है? नहीं, भारत में टोटल होता है 5.5 साल का, जिसमें 1 साल इंटर्नशिप होती है। तो 4 साल हो गए, 4 ईयर का कोर्स हो गया, फिर उसके बाद 1.5 ईयर का हो जाता है, आपको इंटर्नशिप में लग जाता है। और रशिया में 6 साल का कोर्स? रशिया में 6 साल होता है। वहाँ पे जो यहाँ का जो इंटर्नशिप होता है तो वहाँ पे 5 to 6 ईयर यहाँ पे रोटेटरी बोलते हैं उस चीज़ को, जैसे हमारे यहाँ इंटर्नशिप बोलते हैं, वहाँ पे रोटेटरी क्लासेस होते हैं जो 6th ईयर में वहाँ के लिए वो इंटर्नशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से जब आप मेडिकल करके आए, MBBS करके आए जी, डिग्री आपको MBBS की मिली जी, फिर आप इंडिया में डिग्री एक्चुअली होती है जो MBBS और वहाँ की जो डिग्री होती है वो MD की मिलती है। अच्छा, यहाँ अपने यहाँ मिलती है, अपने इंडिया में वो MBBS की डिग्री मिलती है। अच्छा, तो दोनों में इक्विवेलेंट होता है, कहने में है कि वो डॉक्टर इन मेडिसिन है, ये आपको बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी, बट डिग्री दोनों की सेम रहती है ये चीज़ें। तो वहाँ से करके आने के बाद फिर से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ PMCH में? जी जी, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो कितना मुश्किल होता है वहाँ से या कितना आसान होता है, क्या राय है उन युवाओं के लिए जी जी जो विदेश पढ़ना चाहते हैं? राय ये है सर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो इंडिया में इतने काफ़ी कॉलेजेज हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, एक तो सीट कम है पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि कॉलेज इतनी ज़्यादा फीस लेती है, हाई मोटी अमाउंट लेती है डोनेशंस के वजह से। तो बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका पैशन डॉक्टर बनना है, तो उन लोग के लिए वो रशिया जाना या फॉरेन अदर कंट्री है, जैसे आपको यूक्रेन में भी बच्चे जाते हैं, आपको जॉर्जिया बच्चे जाते हैं, आपको चाइना जाते हैं, और ऑल ओवर मैं देखा हूँ तो मॉरिशस भी जाते हैं, मॉरिशस भी जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं बच्चे, और नेपाल भी जाते हैं, नेपाल भी जाते हैं। पर वहाँ पे जितने भी जगहों का मैंने नाम बताया, जिक्र किया जितने भी जगह, सबसे अभी आज के डेट में अभी तक 20 ईयर से मैं देख रहा हूँ, और मेरे सीनियर जो भैया बताते हैं कि रशिया वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज हमारा इंडिया से एक बहुत अच्छा संबंध भी है, कनेक्शन भी है, कोई रेशियल चीज़ नहीं होती है, पढ़ाई के हिसाब से हर चीज़ है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो जब वहाँ से आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं जी, तो उसके बाद क्या, जैसे इंडिया में डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और फिर या रशिया से करते हैं या चाइना से करते हैं या बांग्लादेश से, नेपाल से या मॉरिशस से करते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क से करते हैं, तो पूरी दुनिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी नहीं, वहाँ जैसे हमारी डिग्री होती है तो कुछ कुछ कंट्री में वो डिग्री का वैलिड होता है, वैलिड डिग्री तो हर जगह है, बट आप एक एग्ज़ाम, आपको एक क्राइटेरिया होती है, तो हर कंट्री के क्राइटेरिया होती है कि ये चीज़ आप क्वालिफाइड करके हमारे यहाँ आप काम कर सकते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में बच्चे जो भी पढ़ने जाते हैं USMLE देना होता है, अपने आप दे करके आप MCI के
पीजी जो है एमसीआई क्वालिफाइड कीजिए, फिर आप पीजी कीजिए, बाकी की जो पढ़ाई कीजिए। तो अगर आप भविष्य में यूएस में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं या यूके में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहीं भी आर वैलिड। यस यस बिल्कुल, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर वैलिड। कितना महंगा होता है भारत में पढ़ना या रशिया में पढ़ना, कैसे कंपेयर करते हैं? प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ मैं, इंडिया की प्राइवेट कॉलेज और रशिया की गवर्नमेंट ऑथराइज कॉलेज है जो भी, क्योंकि वहाँ टोटल रशिया में आज के डेट में 53 कॉलेजेस हैं। 53 कॉलेज में सारा है कि वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होकर के सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप हाफ एंड हाफ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आज के डेट में कम से कम 80-90 लाख एक MBBS स्टूडेंट बनने में लगता है, ठीक है। वही चीज़ आपको वहाँ पर 25-30 अप्रॉक्स में आप पढ़ करके सारी चीज़ करके आप वहाँ से आ सकते हैं। तो काफ़ी का मतलब लगभग मोर देन 3 पॉइंट समझिए तो फ़र्क है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क है ये चीज़। कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप करके आते हैं, तो कैसा रिस्पांस मिलता है अमंग दोज डॉक्टर्स जिन्होंने इंडिया में किया है या किसी और कंट्री में किया है, आप रशिया से करके आते हैं, कैसा रिस्पांस देती है सोसाइटी आपको? रिस्पांस सर अच्छी देती है, और रिस्पांस की बात है तो बेस्ट स्टूडेंट्स इंडिया में भी हैं, बेस्ट स्टूडेंट वहाँ के भी हैं। वहाँ के भी बच्चे जो आकर के अभी एम्स में काम कर रहे हैं, एम्स में क्वालिफाइड हैं, USFMLE काम कर रहे हैं, अदर कंट्री में काम कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम फॉरेन से आए हैं तो हम लोग अलग हैं, हमारी डिग्रियाँ सेम हैं, पढ़ाई सेम है, किताबें सेम हैं, तो ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और सेम चीज़ है। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको कुछ स्टेप्स आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे कि आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, इवन रशिया हो या बाकी कंट्री में जा रहे हो, तो पहले तो कॉलेज के बारे में आप पूरी जानकारी ले लें, कॉलेज सारी WHO से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, वहाँ कंट्री से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, MCI से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, ये सारी होने चीज़ के बाद आप उसके बाद एक अच्छा कोई जिसकी आप जैसे मेरा है तो मेरे लिए यूनिवर्सिटी है जो बिहार के जो भी बच्चे जाते हैं वो एडवर्टाइज़ करा करके, तो क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे जो बच्चे रहेंगे वो मेरे से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, ना कि एक महाराष्ट्र के बच्चे से बाकी जगह के बच्चों से। तो वो आप कंसल्ट करते हैं फिर बताते हैं, तो उनको एक होती है कि एक फॉर्म भरनी होती है, वो सारा चीज़ है उसमें सब डिटेल बताई रहती है कि इंग्लिश मीडियम है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फ़ीस है, वो सारा चीज़ रहता है, और वीज़ा जो है और ये सारी चीज़ें कॉलेज का आप रख देती है। तो ये अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है? जी जी, रशियंस में पढ़ाए जाते हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, जैसे आप वहाँ किसी भी कंट्री में जाते हो, इवन आप पंजाब भी चले जाओ तो आपको पंजाबी थोड़ी बोलनी आ जाती है, आप क्योंकि भाषा जो होती है वो आपको रटने और ऐसी चीज़ नहीं है, भाषा बोल चाल की चीज़ है, जितना आप बोलोगे करोगे उतना सीखोगे। तो वहाँ भी वही चीज़ है, आप फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में जाओगे तो आप रशियन पेशेंट्स को आप देखने जाओगे, ऑब्वियस बात है आपको इतनी चीज़ आनी चाहिए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के मैनर्स, वहाँ की लैंग्वेज, ये सारी चीज़। तो एक बार आप अपना दोबारा नाम बताएं और वो कॉलेज बताएं जहाँ रशिया से आप करके आए। जी डॉक्टर रवि, डॉक्टर रविराज, और जो कॉलेज है मेरा जो नाम है उस कॉलेज का स्मॉलेंस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो स्मॉलेंस में है, और ये मॉस्को से जो रशिया की राजधानी है कैपिटल, वहाँ से अप्रॉक्स 280 किलोमीटर 300 किलोमीटर, मैंने 6-7 घंटे का रास्ता है। फोर आवर्स का रास्ता है जी। अरे एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता था कि जो फर्स्ट स्टेप बच्चे को जाने की, फर्स्ट स्टेप में है कि जैसे मेरे थ्रू अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, फर्स्ट स्टेप उसको ये करना है कि पहले तो मैं उस बच्चे का देखूंगा कि नीट क्वालिफाइड है कि नहीं। जैसे इस साल की है, गवर्नमेंट ने जनरल बच्चों के लिए 164 मार्क्स रखा है, OBC एंड अदर कास्ट के बच्चों के लिए 129 मार्क्स रखा है, क्वालिफाइड इतना होना चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तभी आप जा सकते हैं, बिना नीट क्वालिफाइड अगर कोई झांसा में देता है कोई कंसल्टेंट, कोई जानने वाला या पहचानने वाला, तो गलत है, आप पढ़ के चले जाएंगे, आपका डिग्री यानी जो नीट आप एग्ज़ाम देते हैं यहाँ उसका वैल्यू विदेश जाने के लिए भी है एकदम। बिल्कुल, ये चीज़ें 2017 से ये चीज़ें आ गई हैं कि आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, विदाउट नीट क्वालिफाइड योर डिग्री लाइक ए जस्ट पेपर। सो आपको ये करना है कि आप नीट क्वालिफाइड हो, उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि मैं सारी पेपर चेक करूँगा, 12th में आपको जो मार्कशीट रहेंगे वो टोटल आपको 50% रहना चाहिए, और मस्ट है इन इंग्लिश 50%, ये चीज़ हो गई। 10th क्वालिफाइड हैं आप, ये तीनों चीज़ होने के बाद फिर मैं आपका मार्क्स जो है वो डिटेल सारा लूँगा। उसके बाद 1.5 लाख की DD बनती है,
1.5 लाख की DD बनती है, जिसमें फ्लाइट, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन, एडमिशन लेटर और वीज़ा, ये चार चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर इसके बाद फ़ी जो है वहाँ की 4,94,000 जो कि $600 है। अच्छा, $6,000 है। तो डॉलर से आप रुपीज़ में आएंगे तो अप्रॉक्स आपको 4,94,000 समथिंग इस तरह पड़ेगी। तो ये आपको फीस हो गए। इस फीस में आपको मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूड है, इस फीस में आपको लॉजिंग इंक्लूड है रहने का, और आपको ट्यूशन फी इंक्लूड है, ये तीन चीज़ें इंक्लूड है। और फर्स्ट टाइम पेमेंट जो है 150 देना होता है, बाकी टिल लास्ट ईयर, फर्स्ट टू लास्ट ईयर तक फीस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं रहते हैं। तो ये सेमेस्टर वाइज फीस देना होता है कि ईयरली फीस? ईयरली फीस, यानी एक साल में आपको 4.5 से 5 लाख रुपये फीस देना, 4.5 से 5 लाख रुपये फीस देना। तो 5 चौके 20, 5 चौके 30, 30 लाख आपको 20 to 30 आपको। अच्छा, और मेस की भी सुविधा है, अगर आप मेस खाना चाहते हैं तो इंडियंस सारे कुक इंडियंस हैं, इंडियन सारे फूड आइटम्स हैं, ये सारा चीज़ है। और हेल्थ इशू से भी कोई नहीं होता, और एज आप खुद डॉक्टर हैं तो आपको हेल्थ के इशू और बहुत काफ़ी कोल्ड जगह है तो उसमें कोई इस तरह का। कितने भारतीय छात्र होते होंगे वहाँ? जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में तो अप्रॉक्स 1700 बच्चे हैं। 1700 इंडियन स्टूडेंट्स? बहुत। हाउ मेनी ऑफ देम फ्रॉम बिहार? बिहार अप्रॉक्स 25, 50, 100 अप्रॉक्स 20। बिहार में अपने लोग ना ये सर सोचते हैं कि मैं ठगा ना जाऊं, मैं कोई कंसल्टेंट मुझे गलत ना ले जाए, थोड़ा नैरो माइंडेड टाइप इस तरह का। मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। और रिस्क ज़्यादा होने के कारण कि सही जगह नहीं पहुंचना भी। अब अगर आप सही जगह पहुंच रहे हैं तो मैं अगर अच्छे से जगह पहुंच रहा हूं तो मैं अगले को बताऊंगा कि आप भी इस जगह पर जाओ। यही चीज़ बच्चे गुजरात से क्यों जा रहे हैं, गुजरात से 200 बच्चे जा रहे हैं, महाराष्ट्र से 100 बच्चे जा रहे हैं, साउथ से बच्चे जा रहे हैं, अपने बिहार से क्यों बच्चे नहीं जा रहे? अच्छा, गुजरात से 200 बच्चे जा रहे हैं, 200 बच्चे जा रहे हैं, महाराष्ट्र से 200 बच्चे जा रहे हैं, इवन साउथ आपको बेंगलोर, आपको हैदराबादी साइड से बच्चों से लगभग 100 इतने बच्चे जा रहे हैं। जब मैं गया था बहुत कम है तो मैं पूरे बिहार से यूपी से अकेला था। अच्छा, पूरे बिहार यूपी से सब मैं अकेला था। अच्छा, जब मैं गया हूँ बट इन योर कॉलेज, बट इन अदर्स कॉलेज मस्ट बी काफ़ी बिहारीज होंगे। बाकी कॉलेजेस 50 कॉलेज बता रहे हैं आप? 52-53 कॉलेज है। 52 पर रेशियो बहुत कम है सर। अच्छा, बहुत कम है सर। सो और भी किसी फील्ड में जाते हैं बिहार? और भी बच्चे फील्ड में जाते हैं, जैसे आप वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, MBA के लिए जाते हैं। पर रशिया और जो बाकी कंट्री में बताया हूँ खासकर रशिया, तो वहाँ पे MBBS के लिए बहुत ज़्यादा बल्क में बच्चे जाते हैं। और मेरे यूनिवर्सिटी से जो अभी इस बार का FMG का रिजल्ट रहा है, 180 में से 130 बच्चों ने क्वालिफाइड करा है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड है, और डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन है। आपको टाइम टू टाइम आना जाना होगा, आपको एक टाइम क्राइटेरिया है कि 8 बजे से पहले आपको हॉस्टल में रहना होगा, और सबसे बड़ी बात बच्चों की वहाँ इधर उधर टाइम ना दे पाना, पढ़ाई करना, कॉलेजेस बंक करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हॉस्टल नहीं रहने के कारण। हमारे में ये चीज़ नहीं, हमारे में हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। तो ये डॉक्टर आलोक सर हैं, अच्छा, के हेड हैं, चार हैं बच्चों के, उनके आप नज़र निगरानी में रहेंगे तो आप कहीं से भी ये चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन और रूल फॉलो करके चलना होगा सर। अच्छा, डॉक्टर आलोक यहीं से इंडियन है? हाँ, इंडियन है, और वहाँ के फॉरन बच्चों के जो है। अच्छा, हेड है, सारी चीज़ें। एक चीज़ और बताना पड़ेगा, मतलब ये 5 से 6 लाख रुपए तो मान लीजिए ये ट्यूशन फी वगैरह है जी, रहना और खाने में कितना खर्च हो जाता है? रहने खाने में सर एक्सपेंसेस अप्रॉक्स सेम ही है सर, वहाँ पे रूबल चलता है। अच्छा, जो है रूबल चलता। अच्छा। है और तो ज़्यादा का फर्क नहीं है सर, 0.5 समथिंग इस तरह का है, तो 4 to 5 thousand में बच्चे आराम से खा सकते हैं। मतलब इंडियन 5,000 रुपये में 6,000 रुपये में हाँ खा सकते हैं बच्चे। 5 से 6,000 में इंडियन रह जाएंगे वहाँ? रह जाएंगे। कमरा का किराया और ऐसा? कमरा का किराया नहीं, आप जो है ये मैंने 4,94,000 बताया, उसमें सर फीस भी इंक्लूड है हॉस्टल का। अच्छा, और फीस भी इंक्लूड है और आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तीन चीज़ें इंक्लूड है। अच्छा, आपका बच्चा क्या बच गया, आपका मेस का चार्ज। अच्छा। तो मेस का चार्ज है तो आप मेस नहीं लगा करके आपको ये सुविधा है कि बगल में रूम के जस्ट नियर आपको किचन है, जो मन बनाइए खाइए, 24/7 किचन ओपन रहता है। शहर से कितना दूर होता है ये कैंपस जो है मेडिकल कॉलेज का? शहर में ही है? शहर में ही है सर, बीच शहर में ही है, कॉलेज के बीच शहर में ही है। अच्छा। आपको सारा चीज़ मॉल्स हो गया, ग्रॉसरी आइटम हो गए, कुछ भी हो जाए आपको आराम से इजिली मिल जाता है, स्टोर
100 मीटर या इस तरह 500 मीटर स्टेप पे जाएंगे सब चीज़ें। सो 2022 में वापस आए आप कंप्लीट कर चुके कोर्स, और अभी आप पटना मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, सो नाइस टॉकिंग टू यू। इफ यू वांट सम स्पेशल मैसेज फॉर दिस नीट स्टूडेंट्स, मैं नीट स्टूडेंट को यही कहूँगा कि आप हालात को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो आप खुद को चेंज कीजिए, और जो चीज़ें हो गई हैं उसको ना सोच करके आप फ्यूचर को देखिए, और एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, तो राइट फॉर योर फ्यूचर, आवर फ्यूचर डॉक्टर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। कब से हो रहा है आपको? 3 दिन से। गले में दर्द? कुछ जांच आपको हम देंगे करवा लेंगे, ठीक है? तो ये जांच आप करा लीजिए ना, और कराने के बाद कुछ दवाई लिख देते हैं आपको 5 दिन के लिए, आपको दवाई खा करके आएंगे, फिर उसका बताएंगे कैसे रिस्पॉन्ड है, ठीक है? ठीक। एक CBC करा लीजिए ना, ठीक है? इस करा लेना, 16 करा लीजिएगा, ठीक है?